जय हिंद दोस्तों, बड़ी वैकेंसी निकल चुकी है। बता दें, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 फॉर्म ऑनलाइन भरने शुरू हो गए हैं। कैसे फॉर्म भरेंगे, भूतपूर्व सैनिक किन किन ऑप्शनों को सेलेक्ट करके फॉर्म भरेंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। बता दें कि भूतपूर्व सैनिकों को फॉर्म भरने का पूरा स्टेप बाय स्टेप एक ही चैनल है, जिस चैनल में आपको मिलता है। भूतपूर्व सैनिक कैसे फॉर्म भरें, पूरी जानकारी इसमें मिलने वाली है। बता दें, लास्ट डेट है इसकी फॉर्म भरने की। पिछली बार 2021 में जो पेट के फॉर्म भरे गए थे, उसमें बता दें कई भूतपूर्व सैनिकों को नहीं पता था कि यूपी में जो वैकेंसियां निकलती हैं, पहले पेट का फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद जो वैकेंसी निकलती है उसमें फॉर्म भरना पड़ता है। तो जब तक पेट नहीं करेंगे तब तक आपको फॉर्म नहीं भर सकते हैं। पिछले जो पेट में आपको बता देते हैं भूतपूर्व सैनिकों की क्या कंडीशन रही थी। पेट 2021 का जो स्कोर था, कट ऑफ स्कोर, यानी कि भर्ती के लिए सभी वर्गों के लिए 62 60, लगभग 40 62 ये दिया गया था। लेकिन जो भूतपूर्व सैनिकों का कट ऑफ था 0.91, यानी कि एक नंबर से भी कम था। क्योंकि कई भूतपूर्व सैनिकों ने तो फॉर्म ही नहीं भरे थे, बहुत ही कम भूतपूर्व सैनिकों ने फॉर्म भरे थे, किसी को पता ही नहीं था। तो बता दें कि इस बार जरूर चूकना नहीं है, क्योंकि जो पिछली बार जिन्होंने फॉर्म भरे हैं और लेखपाल और कई तरह की वैकेंसियां निकली उनमें फॉर्म भरे हैं, तो उनका सिलेक्शन लगभग 90% क्लियर है। क्योंकि 1.91% मेरिट गई थी जो लेखपाल के लिए फॉर्म भरे गए थे, 0.9% वाले सभी इसमें फॉर्म भर गए, मतलब सेलेक्ट हुए थे मेन एग्जाम के लिए। तो ये था भूतपूर्व सैनिकों के लिए। अभी मैं बता देता हूँ कैसे फॉर्म भरेंगे। तो उससे पहले बता देते हैं कब से कब 18 साल से 40 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट के, यूपी गवर्नमेंट के अनुसार मिलेगा। इसमें 10th पास मिनिमम होनी चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्री एग्जाम देने के लिए, यूपी ट्रिपल एससी पेट देने के लिए 2022 के लिए। तो आपको 10th पास होना जरूरी है जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं। इसके बाद जो फॉर्म भरने की डेट है, 28/6/2022 से फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट है 27/7/2022। फीस जमा करने की 3/8/2022 है फीस जमा करने की अंतिम तिथि। और आपको परीक्षा की जो डेट होगी वो वेबसाइट में आपको जानकारी दे दी जाएगी। नहीं तो आपको मैं हर रोज एक वीडियो बनाता हूँ सुबह, जो लेटेस्ट न्यूज से संबंधित होता है, उसमें डेली कब किसके फॉर्म निकल रहे हैं और कब एडमिट कार्ड जारी हुए, उसमें आपको जरूर मिलता है सुबह 7 बजे, वो जरूर देख लिया करें। स्कोर की वैधता और लिमिट, यानी कि 1 साल के लिए ये वैलिड रहेगा, कोई भी जॉब निकलेगी 1 साल तक, 2022 और 23 तक। तो आप इसको इस पेट के आधार पर उसमें फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट अभी देख लेते हैं कि इसमें जो फीस जमा होगी, फीस लगेगी अनारक्षित के लिए 185, पिछड़ा वर्ग के लिए 185, SC ST के लिए 95 और विकलांग दिव्यांग जन के लिए 25 रुपए है। और भूतपूर्व सैनिक जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी फीस लगेगी। अगर अनुसूचित जात में आएंगे तो 95 और जनरल और OBC में आएंगे तो 185 फीस लगेगी। तो ध्यान रखें, अभी कैसे भरेंगे वो मैं आगे बता देता हूँ। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फॉर्म भरने का एक एक स्टेप आपको बताएंगे, कैसे फॉर्म भरेंगे और कैसे नोटिफिकेशन देखेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए आप जाएंगे एप्लीकेशन सेगमेंट में। एप्लीकेशन सेगमेंट में आप देखेंगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इसमें आपको फॉर्म भरने के लिए क्लिक करना पड़ेगा। तो आप इधर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आ जाएगा। इस पेज में देख सकते हैं पूरी डेट दी है प्री पेट पेट के एग्जाम के लिए, और ये डेट दी है कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। और इसमें आप व्यू एडवर्टाइजमेंट इधर देख रहे हैं नीचे, इसमें आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन है इससे डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इधर क्लिक करना है। तो अप्लाई करने के लिए मैं अप्लाई करना बताना है तो इसमें क्लिक करेंगे अप्लाई में। जैसे ही अप्लाई में क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आ जाएगा। इस पेज में आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप मैंने अप्लाई में क्लिक किया तो ये नीचे आ गया। अभी इसमें आपको पता है पूरी इसमें दे दी है, आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, ये जिसमें सर्कल किया हुआ है इसमें क्लिक करेंगे। जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा क्या आपने पिछले साल भी कभी इसमें अप्लाई किया है। अगर आप पहले भी उत्तर प्रदेश की किसी इसमें यूपी ट्रिपल एससी में अप्लाई कर चुके हैं तो आप इधर जाके इधर सेलेक्ट करना है। इसमें सेलेक्ट करेंगे कि यस, अगर आपने पहले अप्लाई किया तो यस सेलेक्ट करना है, इसके बाद प्रोसीड करना है। अगर नहीं किया है तो नो करना है, ध्यान रखें।
अगर पहले अप्लाई नहीं किया तो नो करना है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तभी यस करें, नहीं अगर पता है तो नो ही करें। तो रजिस्ट्रेशन नंबर अगर पता है तो यस कर दें, यस करेंगे इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालें अगर जो पहले आपने भरा था, इसके बाद प्रोसीड करें। तो आपको ज्यादा इसमें भरने की जरूरत नहीं, फोटो सिग्नेचर आपके पहले से अपलोड होंगे और पूरी डिटेल पहले से होगी, तो आप इसमें ज्यादा भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप नहीं अप्लाई किया तो इसमें जाके नो में क्लिक करना है। तो जैसे ही इसमें जाके नो में सेलेक्ट करेंगे तो नो में सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे, इसमें आपको देखेंगे आई एक्सेप्ट में क्लिक करना है। जो आप ये सारी चीज पढ़ के आई एक्सेप्ट में क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट में क्लिक करने के बाद नेक्स्ट नीचे क्लिक करना है। तो आई एक्सेप्ट में क्लिक किया, आप नीचे क्लिक कर देता हूँ। जैसे नीचे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आ जाएगा। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपको फोटो सिग्नेचर पूरी डिटेल डालनी है, इसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर अदर डिटेल, फिर फीस जमा करनी है, फिर फॉर्म का प्रिंट निकालना है। तो मैं एक तरफ से भरना शुरू कर देता हूँ। कैंडिडेट नेम भरना है इसमें पहले, फिर इसमें फादर नेम, मदर नेम, इसके बाद यूपी के डोमोसाइल, अगर यूपी के भर भर रहे हैं लोग तो यूपी इसमें सेलेक्ट करना है, अगर नहीं यूपी के अदर स्टेट के भर रहे हैं तो अदर स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज डालनी है। तो इसको मैं भर के बताता हूँ कि डू यू डोमिसाइल इन यूपी फ्रीडम फाइटर, तो इसमें अगर फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट है तो आप इसमें यस करना, नहीं तो नो करना है। आर यू एक्स आर्मी या ईसीओ एसईओ क्या है, तो अगर आप एक्स यूपी एक्स आर्मी है तो इसमें यूपी एक्स आर्मी सेलेक्ट करना है। ध्यान रखें इसमें तीन ऑप्शन आएंगे, ईसीओ एसईओ भी आएगा, यूपी एक्स आर्मी आएगा, तो यूपी एक्स आर्मी भरना है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। इसके बाद ये चीज बहुत ध्यान रखना, भूतपूर्व सैनिक ये नहीं भरते हैं तो उनका जनरल में फॉर्म अप्लाई हो जाता है, जिससे उनको बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वो उनका रिजल्ट फिर जनरल में आएगा, कट ऑफ में वो आएंगे नहीं। इसके बाद सर्विस डिटेल इसमें डालनी है, कितने साल आपने सर्विस की है, तो ये जितने साल सर्विस की वो डालनी है, जितने महीने की है, जितने दिन की वो डालनी, डेट ऑफ रिटायरमेंट डालनी जब आप रिटायर हुए हैं। इसके बाद आप हैंडीकैप्ड हैं तो यस करना, नहीं तो नो करना है। अगर 40% से ज्यादा कैटेगरी है भूतपूर्व सैनिकों के लिए और उनको सर्टिफिकेट मिली हुई है तभी इसमें यस करें, नहीं तो नो करें। स्किल प्लेयर कोई है तो यस करें, नहीं तो नो करें। इसके बाद पूरी अपनी एड्रेस डाल दें, पूरा इसमें एड्रेस दिया हुआ है, जो भी मांगा है वो डाल दें, डेट ऑफ बर्थ डाल दें, जेंडर डाल दें। इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। ये ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो आपके पास हो और उसमें ईमेल आता हो। मेरी डिटेल डालनी है, इसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाना है। नीचे आप देख सकते हैं इसमें एज रिलैक्सेशन अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए, जो आप एक्स सर्विसमैन है वो तो चाहिए, अगर और कुछ चाहिए तो इसमें आप एज रिलैक्सेशन वाले कॉलम में सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ईएसएम वाली चाहिए जो मैं पहले भर चुका हूँ। इसके बाद अभी इसमें क्या है, स्कूल का डालना है, किस बोर्ड से आपने किया है वो डालना है, परसेंटेज परसेंटेज डाल के मैं इसको कर देता हूँ, देख लेता हूँ क्या आएगा। तो उत्तर प्रदेश बोर्ड से मैंने किया है तो उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट बोर्ड डाल दिया है, पासिंग ईयर डाल दिया, रोल नंबर डालना है, इधर परसेंटेज सिस्टम डालना है। पहले जो चलते थे भूतपूर्व सैनिक जो होंगे वो परसेंटेज सिस्टम पे ही चलते थे, कितने मार्क आए थे उसमें 10th में और टोटल कितने मार्क का था, यानी कि 600 में कितने आए थे वो डाल देना है। इसके बाद इंटरमीडिएट अगर किया है तो इंटरमीडिएट इधर सेलेक्ट करके इंटरमीडिएट का पूरा डिटेल डाल देना है, इसके बाद उसका बोर्ड भी डाल देना है, इधर बोर्ड भी पड़ेगा। नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे तो नीचे आप देखेंगे कि ये बैचलर डिग्री अगर कोई डिग्री की है वो डिटेल डालना है, नहीं तो इसको खाली रखना है। इसके बाद ये कैप्चा कोड भी फिल करना है, इसके बाद सबमिट करना है। तो कैप्चा कोड करके सबमिट करता हूँ तो ये पेज खुल जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने ये भर दिया है, अभी इसमें मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप नीचे आएंगे, इसमें देखेंगे नीचे भी पूरी डिटेल आपकी आ गई है, जिसमें आप उत्तर प्रदेश जो भी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारा चेक कर लेना है। इसके बाद आपने इधर लास्ट में आना है, लास्ट में जैसे ही आएंगे तो आप प्रोसीड टू फोटो और सिग्नेचर मतलब अपलोड करने के लिए आपको बोल रहा है, तो आप इसमें पहले से फोटो और सिग्नेचर अपलोड खींच के रखना है। कितने का फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए, तो जब मैंने उसमें क्लिक किया तो आप इसमें ये आ गया कि 50 KB से ज्यादा फोटो का साइज नहीं होना चाहिए और सिग्नेचर का 30 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो अभी मैं और इसमें सिग्नेचर जो होगा वो मैं बता देता हूँ किस टाइप का होगा। सिग्नेचर में पहले अपना हिंदी में नीचे नाम लिखना है, ऊपर अपना जो रियल सिग्नेचर है वो करना है। नाम अपना हिंदी में जरूर लिखना है, ये एकदम इसमें क्लियर दिया, अभ्यर्थी अपनी स्वयं हस्तलिपि में अपना पूरा नाम लिखना है हिंदी में, उसके ऊपर हस्ताक्षर करने हैं। तो इस तरह से आपके सिग्नेचर होने चाहिए, आप कुछ भी सिग्नेचर इधर करें हिंदी या इंग्लिश में,
लेकिन रनिंग टाइप का होना चाहिए, ये नहीं कि आप नाम ही बिल्कुल लिख दिया वही नहीं, पहले नाम लिखना है, इसके बाद सिग्नेचर अपना लंबा रखना है, इसके बाद इधर फोटो अपलोड करनी, इधर सिग्नेचर अपलोड करना है, जो इधर दिया है तरीका उसी तरह का इधर सिग्नेचर फोटो खींच के इसको अपलोड करना है। कैसे फोटो सिग्नेचर साइज छोटा करें और कैसे जेपीजी में कन्वर्ट करें उसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके थ्रू देख लेना। इसके बाद मैं फोटो सिग्नेचर अपलोड करके दिखाता हूँ, ये मैंने फोटो अपलोड कर दी, सिग्नेचर अपलोड कर दिया, इसके बाद मैं कंटिन्यू में क्लिक करूंगा, जैसे कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो ये हमारा फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। इसमें हमसे पूछेगा आई डिक्लेयर, हमने पूरी नोटिफिकेशन पढ़ ली है जिसमें फीस कैसे जमा करनी, तो इसमें मैंने क्लिक करूंगा, इसके अंदर जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आ जाएगा, यानी कि हमारा ये फॉर्म आ गया है और भर गया, अभी फीस के लिए बोलेगा तो नीचे आना है, जैसे नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरा आपको इसमें फिर जो भी हाई स्कूल की एज प्रूफ मांगेगा, यानी कि एज प्रूफ आपको हाई स्कूल की मार्कशीट का डालना है, इश्यूइंग अथॉरिटी कहाँ से आपने किया है हाई स्कूल, और इश्यूइंग डेट कब आपने किया है, यानी कि उसको डेट कौन सी है, और सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो उसमें नंबर लिखा होता है सर्टिफिकेट, जो हाई स्कूल की मार्कशीट होती है वो नंबर सर्टिफिकेट नंबर डालना है, इसके बाद अपलोड में क्लिक कर देना है, तो ये आपका अपलोड हो जाएगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो ये आपको खाली रखना, नो ही लिखना है, क्योंकि आप एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तभी यस करें, और टीए के हो तभी यस करें, नहीं तो नो कर देना है। नीचे आ जाना है, इसमें नीचे आएंगे तो इसमें एड्रेस भरना है, अपना पूरा एड्रेस डाल देना है, और दूसरा भी दो एड्रेस डालने हैं, अपना परमानेंट और टेम्परेरी एड्रेस, दोनों एड्रेस सेम अगर है तो सेम डाल दो। इसके बाद आप लास्ट में आएंगे, इसमें आई एक्सेप्ट अबो डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन है, इसको आपने एक्सेप्ट किया है तो यस नो करना है, तो यस ही करना है, इसमें यस कर देना है, तो इसमें मैंने यस किया। इसके बाद प्रीव्यू में क्लिक करेंगे, प्रीव्यू में क्लिक करेंगे, उससे पहले प्रीव्यू में क्लिक करने से पहले ये कैप्चा कोड भी बोलेगा, फिल करो, कैप्चा कोड डाल देना है, फिर इसमें सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही क्लिक करेंगे, सबमिट करने के बाद इसमें बोलेगा कि 185 रुपये आपकी फीस लगेगी, क्योंकि मैं जनरल एक्स सर्विसमैन में भरा है तो जनरल में 185, ओबीसी के लिए 185 है, एससी एसटी के लिए 95 है, तो हमारा और ओबीसी जो जनरल है और ओबीसी का 185 रुपये लगेगा एक्स सर्विसमैन का। तो इसके बाद आप आएंगे, इसमें क्लिक करेंगे या फीस जमा करने के लिए, क्लिक हियर टू पे रिक्वायर्ड फीस, जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा काइंड अटेंशन, इसमें आपको क्या बोल रहा है कि यू वांट टू चेंज कास्ट कैटेगरी, यानी कि कास्ट कैटेगरी आप चेंज करना चाहते हैं, जो आपने कास्ट भरी है, जैसे मैंने जनरल भरी तो मैं क्या एससी एसटी या ओबीसी करना चाहता हूँ, तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि हमने जो भरा है वो सही है, नो करना है, यस नहीं करना है, यस करोगे तो आपको कास्ट चेंज करने के लिए बोल देगा, तो आप नो करना है, इसमें नो कर देंगे, जैसे ही नो करेंगे तो आपका ये डिटेल आ गया, फीस के लिए कितनी फीस जमा करनी, 185 रुपये लिखा है, और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, और इसमें पूरा डिटेल आ गया। अब इधर आप क्लिक करेंगे, जैसे ये लिखा है एसबीआई एमओपीएस, एसबीआई एमओपीएस में क्लिक करेंगे, इसके बाद जैसे ही उसमें क्लिक किया तो आपके पास ये पेज खुल के आ गया। इस पेज में आप देख सकते हैं कि पूरी डिटेल दे दी है आपको, इधर लास्ट में देखना स्टेट बैंक ऑफ एमओपीएस में क्लिक करना है, इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज आ जाएगा, इसमें आपको किस माध्यम से फीस जमा करनी है, क्यूआर कोड से या बाकी अलग, तो हमने क्यूआर कोड से पेटीएम से फीस जमा करनी है, तो पेटीएम में इसमें क्यूआर कोड में सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म में क्लिक करेंगे, जैसे ही कंफर्म में क्लिक करेंगे तो हमारी ये फीस का पूरा डिटेल जमा हो गया है, मैंने जमा कर दिया है 185 रुपये, प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट एप्लीकेशन, और हमने एप्लीकेशन प्रिंट निकालना है, तो जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूंगा तो ये मेरा फॉर्म आ गया है। अभी प्रिंट का इसमें चिन्ह इधर दे रहा होगा, इधर से प्रिंट भी निकाल सकते हैं आप जो फॉर्म आपने भरा है, तो मैं इधर क्लिक करके प्रिंट निकाल लूंगा, ये प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे इसमें क्लिक किया तो ये देखो मेरा फॉर्म भर गया पूरा, इसमें डिटेल आ गया है, ये मेरा फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से ये फॉर्म भरेंगे, और भूतपूर्व सैनिक अगर नौकरी यूपी में पाना चाहते हैं तो ये पैट देना जरूरी है, ये ध्यान रखें, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता, पिछले साल तो ऐसे ही हुआ है, कई लोगों को पता नहीं, लेखपाल में ये मान लो बहुत ही कम एक सर्विसमैन ने अप्लाई किया है। तो ये था वीडियो जो कि पैट का कैसे फॉर्म भरना है, इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद।